Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9, subject English, unit 1, reading C, Salu Marada Thimakka. In this video lecture, we will see question answers. So let's start. What details about the following do you get in the passage? Means, Salu Marada Thimakka ke baare mein, hum is passage mein kaun kaun se jaankariyan jaante hain, unke baare mein varnan karna hai. Childhood, bachpan mein, born इन हुलिकल यानी हुलिकल नामक स्थान पे सालु मरादा थिमक्का का जन्म हुआ. वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वेरी नियर हर होम यानी लेबरर मीन्स मजदूर, क्वेरी मीन्स खदान. मीन्स सालु मरादा थिमक्का अपने घर के पास खदान में मजदूर के तौर पे काम करती थी. मैरिज एंड फैमिली लाइफ मैरिड ऑफ टू चिक्के अ कैटल हर्डर. सालु मरादा थिमक्का का विवाह चिक्कह के साथ हुआ जो कि एक चरवाहे थे. डिडेंट हैव एनी चाइल्ड उनकी कोई संतान नहीं थी यानी शादी के 25 साल के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी. ऑक्यूपेशन व्यवसाय एक्टिव क्रुसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज और ऑफ एफोरेस्टेशन मीन्स क्रुसेडर मीन्स योद्धा. एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण मीन्स वनीकरण का जो संदेश है उनको फैलाने में वो एक एक्टिव योद्धा है. नेक्स्ट एन एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स वो एक पर्यावरणविद है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम देयर स्टार्टेड द जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल टूवर्ड्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन अ मिशन टू रेज एज many trees as possible with love and care and as their own children. Untiring love means athak prem, selfless services yani nishwarth seva. So wo jo sadharan couple the unki jo untiring love hai athak prem hai and nishwarth seva hai unhone ek journey ki start ki jo ki asadharan mission ki or leke jati hai. उन दोनों की कोई खुद की संतान नहीं थी तो वो पौधों को पेड़ पौधों को अपनी संतान की तरह उनसे प्यार करते थे एंड उनकी देखभाल करते थे. आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्शन इन द लेशन दैट टॉक्स अबाउट थिमक्कास. इस लेशन में थिमक्का के बारे में जो वर्णन है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है. अनटायरिंग लव मीन्स अथक प्रेम. डिस्क्रिप्शन They treated the saplings as their own children and each day followed the same routine. Saplings यानि पौधे means वो पौधों को अपने खुद की संतान की तरह treat करते थे और हर एक दिन वो एक routine दिनचर्या follow करते थे. They also protected the saplings from the grazing cattle by fencing them with thorny shrubs. Protected यानि रक्षा करते थे. थॉर्नी श्रब्स यानी कटीले झाड़ियों से. वो जो पौधे हैं उनकी रक्षा करते थे कटीले झाड़ियों से. किन से? ग्रेजिंग कैटल्स यानी जो मवेशी है पशु है उनसे पौधों की रक्षा करते थे. देयर टायरलेस एफर्ट्स बिगेन टू बियर फ्रूट व्हेन द सैपलिंग्स ग्रू इनटू लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज. सो उनकी जो अथक परिश्रम है टायरलेस एफर्ट्स है उनके प्रयास है उनकी वजह से जो पेड़ जो पौधे हैं वो बड़े हुए और फल देना स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट है एम्बिशियस एंड अनकॉमन मिशन महत्वाकांक्षी एंड असाधारण मिशन योजना. डिस्क्रिप्शन द कपल प्लांटेड द सैपलिंग्स मोस्टली इन द मानसून सीजन सो दैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ. मीन्स वो जो कपल थे वो ज़्यादातर पौधे प्लांट करते थे कौन से मौसम में? मानसून की सीज़न में. क्यों? ताकि वो जो पौधे हैं वो रेन वाटर यानी वर्षा के जल से खुद का विकास कर सके, ग्रोथ कर सके. द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल एंड टुडे द एसेट वैल्यू ऑफ द ट्रीज स्टैंड्स एट मोर देन 1.5 मिलियन रुपीज़. सो वो जो कपल लगाए वो मोर देन 300 थे और उनकी जो कीमत है आज की डेट में वो 1.5 मिलियन रुपीज़ है.
1 million, it means 10 lakh. Thimakka's husband passed away in 1991. Thimakka ke jo husband the वो 1991 में चल बसे. बट सी कंटिन्यूड विथ हर मिशन अलोन एंड अनडाउंटेड. अलोन मीन्स अकेला एंड अनडाउंटेड मीन्स निडर. तो जो थिमक्का है उनके हस्बैंड के चले जाने के बाद भी वो अपना मिशन जारी रखी, वो भी अकेली निडर. द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ. और आज की डेट में जो कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उन सारे पेड़ पौधे की देखभाल कर रही है और उनका मीन्स मिशन कायम रखी हुई है. नेक्स्ट है सेल्फ एंड हर हस्बैंड एज ऑर्डिनरी कपल. स्वयं थिमक्का और उनके जो हस्बैंड है वो ऑर्डिनरी कपल थे, सामान्य कपल थे. डिस्क्रिप्शन, द कपल वॉन्टेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू, मीन्स दे वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ. मीन्स कपल चाहते थे कि उनकी खुद की संतान हो, पर शादी के 25 साल के बाद भी उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी. वन डे द हस्बैंड वाइफ ड्यू डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ. सो एक दिन हस्बैंड वाइफ दोनों ने इस बात का निर्णय लिया कि वो अपनी लाइफ की जो सैडनेस है और उनकी जो खालीपन है, एम्प्टी है, वो उन पर विजय हासिल करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पौधे लगाने का निश्चय किया. नेक्स्ट है सेल्फलेस सर्विसेज, यानी निस्वार्थ सेवा. डिस्क्रिप्शन, सी इज एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफोरेस्टेशन. वो एक मीन्स एफोरेस्टेशन वनीकरण का जो संदेश है उनको पहुंचाने के लिए, उनको फैलाने के लिए वो एक एक्टिव योद्धा है, सक्रिय योद्धा है. हर सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लीव बिहाइंड सम एसेट फॉर ह्यूमैनिटी. उनकी एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि हर एक मनुष्य को मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, मानवता के लिए पृथ्वी पर कुछ न कुछ संपत्ति छोड़ के जाना चाहिए. सी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, क्राइसिस मीन्स संकट. वो अभी भी अपनी जो आर्थिक संकट है, आर्थिक जो संकट है उसमें वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर रही है. एंड जस्ट मैनेज टू समहाउ, समहाउ मीन्स कैसे भी करके, मेक अ लिविंग फ्रॉम द वेरियस अवार्ड्स एंड मंथली पेंशन. और वो अभी भी कैसे भी करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रही है. किनके थ्रू? विभिन्न प्रकार के जो अवार्ड्स है और उनकी जो मंथली पेंशन है उनके थ्रू. बट दिस हैज़ नेवर मैनेज्ड टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड. पर इतनी जो कठिनाइयाँ हैं, इतनी जो संकटें हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो आत्मा है या फिर मानवता के प्रति करने वाले जो अच्छे काम करने का जो उनके अंदर जुनून है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और वो कभी खत्म नहीं हो सकता. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर. मीन्स हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. वन, द विलेज कुडूर वॉज सेलेक्टेड बाय थिमक्का टू प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड बिकॉज, मीन्स जो कुडूर विलेज है वो थिमक्का के द्वारा सेलेक्ट किया गया कि मुझे वहीं पे ही पेड़ लगानी है. मीन्स क्यों, इसका रीज़न क्या है? सो इसका रीज़न हो जाएगा देयर वर नो ट्रीज ऑन द रोड. क्योंकि वहाँ पे जो रोड है, रोड में कोई ट्रीज नहीं थे, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुडूर विलेज को ही सेलेक्ट किया. नेक्स्ट है द सैपलिंग्स वर वाटर्ड. जो सैपलिंग्स है यानी पौधे है उनमें पानी डाला जाता था, उनमें वाटर डाला जाता था. कैसे? फ्रॉम द वेल एंड पॉन्ड्स नियर बाई. मीन्स ये ऑप्शन सही होगा. मीन्स वेल्स, कुओं से, और जो नियर बाई जो पॉन्ड्स है, तालाब है, पोखर है, उनसे. नेक्स्ट है थिमक्का हैज सेट अप अ ट्रस्ट टू फुलफिल हर प्लान्स बिकॉज. मीन्स थिमक्का ने अपनी योजना को फुलफिल करने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की क्योंकि सी डजंट
पोसेस द मनी रिक्वायर्ड, क्योंकि उनके पास आवश्यक मनी नहीं थी इसीलिए. नेक्स्ट, वन ऑफ द रीजंस व्हाई थिमक्का इलेक्टेड बनियान सैपलिंग्स टू बी प्लांटेड ऑन द रोड साइड वॉज, मीन्स रोड साइड में बनियान ट्री को ही क्यों सिलेक्ट किया गया कि बनियान ट्री को ही लगाने हैं. सो एक रीज़न है द बनियान्स ग्रो इनटू ह्यूज सैडी ट्रीज, क्योंकि जो बनियान का जो पेड़ है वो आकार में बहुत बड़ा होता है एंड वो छायादार भी होता है. फिल इन द बबल्स विद अदर पॉसिबल रीजन. सो आंसर है देयर वर प्लेंटी ऑफ बनियान ट्रीज नियर हर विलेज, क्योंकि जो उनके गाँव के पास जो बनियान का जो प्लेंटी है पौधे हैं वो अधिक मात्रा में थे. द रोड साइड डिडंट हैव अ सिंगल ट्री, और रोड साइड में एक भी पेड़ नहीं थे. सिंस इट डिडंट हैव एनी ट्री इट कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू द ट्रैवलर्स ऑन द ड्राई हॉट डेज, क्योंकि जब ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे गर्मी के सीजन में तो उनको बहुत गर्मी लगती थी, मीन्स उनको बहुत सारी समस्याएं आती थी, इसलिए भी बरगद ट्री को लगाने का निश्चय किया गया. नेक्स्ट है इट मेड द सराउंडिंग मोर ब्यूटीफुल, और यह जो है चारों ओर को एक सुंदर बनाती है. ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी वजह से जो सड़कें हैं वो जो चारों तरफ है मैदान है वो बहुत सुंदर लगते हैं. नेक्स्ट है वोकैबुलरी, सालूमरादा इज अ कनाडा वर्ड विच मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज. सालूमरादा एक कन्नड़ भाषा का शब्द है और जिसका मतलब है अ रो ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की पंक्ति. फाइंड आउट द मीनिंग्स एंड लोकल लैंग्वेज एक्वावेलेंट फॉर द वर्ड्स गिवन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मीनिंग एंड लोकल लैंग्वेज में वो उनका क्या अर्थ है उन्हें बताना है. फिकस ट्रीज मीन्स पीपल का पेड़, जैसे बनियान ट्री, और फिक ट्री मीन्स अंजीर का पौधा जिसे हम कहते हैं बरगद ट्री. ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइडेड इनटू सब एरियाज, डिस्ट्रिक्ट्स को सब एरिया में डिवाइड किया जाता है. सो वो उसे कहते हैं तहसील, लोकल लैंग्वेज में तहसील. मानसून का मीनिंग है रेनी सीजन, और इसे हम लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं रैंस. कैटल पशु मवेशी जिसे जिसका मीनिंग है बीस्ट ऑफ पोश्चर, जो डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो पालतू पशु है उनकी श्रेणी में आते हैं. नेक्स्ट है द वर्ड एफोरेस्टेशन इज प्रेसिडेड बाय अ प्रीफिक्स एफ टू गिव अ पॉजिटिव मीनिंग टू द रूट वर्ड फॉरेस्टेशन. कंप्लीट द टेबल बिलो बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू ईच वर्ड. फाइंड आउट हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे कुछ रूट वर्ड्स दिए हुए हैं और इन रूट वर्ड्स में प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगा करके एक नेट वर्ड बताना है, और इस नेट वर्ड का जो मीनिंग निकलेगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव से हमें बताना है. सो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है ए एफ से ये हुआ है एफोरेस्टेशन जो पॉजिटिव यानी वनीकरण. नेक्स्ट है एक्टिव से बना है इनएक्टिव जो कि नेगेटिव है. श्योर यहाँ पे हम लिखेंगे UN, अनश्योर जो कि नेगेटिव है. डिफरेंस यहाँ पे हम लिखेंगे इनडिफरेंस, सो ये हो गया नेगेटिव. ऑर्डिनरी यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा, सो ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि पॉजिटिव. टायरिंग यहाँ पे हो जाएगा अनटायरिंग, मीन्स ये हो गया पॉजिटिव. नेक्स्ट है कंप्रोमाइजिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे अनकम्प्रोमाइजिंग, सो ये हो गया नेगेटिव. सो इस तरह से हम रूट वर्ड में प्रेफिक्स लगा करके नेट वर्ड निकाल सकते हैं और इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग निकाल सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.